हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का क्विज। और इसमें आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको खुद को जज करना है कि आपके कितना स्कोर जो है यहाँ पर आप कर पाते हो। सो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन आपके पास हैं ए तुलसी गौड़ा, बी रमन गंगा खेड़कर, सी मनोहर देवदास, एंड डी ऑप्शन आपको गिवन है भरत गोयनका। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बताने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सो, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही ऑप्शन है सी मनोहर देवदास। मनोहर देवदास जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। काफी इजी एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य और मवेशियों में एक बीमारी होती है, उसको क्या कहा जाता है, और वो बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है। आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है। और आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ए छोटी माता, बी खसरा, सी एंथ्रेक्स, और डी है मलेरिया। सही आंसर है एंथ्रेक्स, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो जीवाणु के कारण होती है, आपको याद रखना है, और मनुष्य और मवेशियों में होने वाली ये खतरनाक बीमारी है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पर, तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तंतुओं से धागा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए बुनाई, बी उटाई, सी कताई, और डी है बुनना। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कताई। तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। प्रश्न चार है आपकी स्क्रीन पर, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी जे एस फ्लेमिंग, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आंसर होगा जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न पांच है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है वो सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, आपको उस पुस्तक का नाम बताना है जो सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन बी मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन सी द सेंटेनिक वर्सेस, एंड ऑप्शन डी शेम। आंसर होगा ए एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न छह आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। आपको बताना है कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी घोंगा, एंड ऑप्शन डी है स्तनधारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंगा जो है वो कशेरुकी प्राणी नहीं है। बाकी पक्षी, मछली, स्तनधारी ये सभी क्या है, कशेरुकी प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर सात आपकी स्क्रीन पर, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। सो, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, और डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में है, ठीक है, प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर।
प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? आपको बताना है भारत में जो रेपो जो दर होती है और रिवर्स रेपो दर होती है वो कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन है जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? सो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है वो क्या करते हैं, भारत में जो रेपो दर है और रिवर्स रेपो दर है उसकी उसको निर्धारित करते हैं। प्रश्न 9 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी? सो अगर आप मूवीज देखते हो तो बहुत ही आसान है आपके लिए ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन करीना कपूर, बी काजोल, सी विद्या बालन और डी ऑप्शन आपके सामने है दीपिका पादुकोण का। सो सही आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक, सही आंसर है विद्या बालन। विद्या बालन जिन्होंने मिशन मंगल मूवी में जिसमें अक्षय कुमार भी थे उनमें महिला की जो है प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी। प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है उसका मुख्यालय बताना है। ए ऑप्शन न्यूयॉर्क में है, बी पेरिस में, सी ब्रुसेल्स में और डी है रोम में। सही आंसर है ऑप्शन डी रोम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम में। नेक्स्ट प्रश्न 11 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? आपको बताना है सिरके का प्रमुख घटक। ए ऑप्शन लैक्टिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी है साइट्रिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसको जब हम 5% सॉल्यूशन इसका डाइल्यूट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब सिरका मिलता है, विनेगर, जिसको हम पिकल्स में यूज करते हैं। प्रश्न 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में माधवपुर मेला जो है वो मनाया जाता है। प्रश्न 13 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? ऑप्शन ए लाई हरोबा, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी है दिवाली एंड डी है मकर संक्रांति। आपको बताना है कि कौन सा जो त्योहार है इनमें से उसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। सही आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। लाई हरोबा जो कि मणिपुर का एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो फेस्टिवल है, त्योहार है, जिसमें वो गॉड का थैंक यू करते हैं इस क्रिएटिविटी के लिए जो भी ईश्वर ने दिया है। तो लाई हरोबा ये इसका मतलब है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। प्रश्न 14 आपकी स्क्रीन पर है। यांगाप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यांगाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धाम षष्ठ मंदिर स्थित है? किस राज्य में, बताना है आपको कि जो भगवान अयप्पा हैं उनको समर्पित सबरीमाला श्री धाम षष्ठ मंदिर स्थित है। काफी काफी फेमस मंदिर है ये सबरीमाला का मंदिर। सो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल।
प्रश्न 16 आपकी स्क्रीन पर। मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको बताना है मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न 17 एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको बताना है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन के अंदर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल आपको बताना है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी कपास एंड ऑप्शन डी है चाय। आंसर रहेगा ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट प्रश्न 19 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली की जो शुरुआत है वो की गई थी? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1890। सही आंसर है 1860 में भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 20 है आपकी स्क्रीन पर। 1940 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया था? सो आपको बताना है 1940 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एच पी मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच पी मुखर्जी। एच पी मुखर्जी जिनको संविधान सभा का 1940 में उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया था। सो ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छा स्कोर किया है। सो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ।